राष्ट्रीय जनता दल के सांसद, राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने संसद में एक कविता पढ़ी है। उस कविता को लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है, चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। उस कविता के पढ़ने के बाद अपने आप को राजपूतों का नेता कहने वाले आनंद मोहन, जो अभी अभी जेल से छुट कर के आए हैं, उन्होंने मनोज झा को आड़े हाथ ले लिया है और उनके ऊपर लगातार हमलावर हैं। उनके ऊपर उनकी जीभ खींचने की भी बात कही गई है। मनोज झा ने कौन सी कविता पढ़ी थी, उस कविता के बारे में आप पहले सुनिए और फिर उस पर बात करेंगे कि उस कविता का संदर्भ क्या है, किस विषय पर वो कविता कही गई है। कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक दलित लेखक हुए जो दलित साहित्य में बड़ा स्थान रखते हैं। उन्होंने दलितों की आवाज़, हाशिए, वंचित शोषित तबके के जो लोग थे उनकी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश किया और पूरे वे दलितों की जो व्यथा है, उनके शोषण है, उसकी कहानियाँ कविताएँ लिखते रहे। कविता में जो कविता मनोज झा ने पढ़ी थी उस कविता को मैं पढ़ता हूँ कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआँ ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। यह कविता 80 के दशक में लिखी गई थी या उस दौर में लिखी गई थी जब देश के संसाधनों पर किसी भी तरह के दलित, शोषित, वंचित लोगों का कोई कब्जा नहीं था। वो सिर्फ मजदूरी करते थे, श्रम करते थे, गुलामी करते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो खुद की आत्मकथा जूठन है उसमें इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरह से वो लोगों के यहाँ शादी ब्याह में छोड़ी हुई चीज़ों को खाते थे, खाना को खाते थे। तो जिस तरह से संसाधनों के ऊपर ये बताया गया है कि ठाकुर शब्द यहाँ पर एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और संसद भवन में बोलते हुए, राज्यसभा में बोलते हुए मनोज झा ने इस बात का जिक्र किया कि यह ठाकुर जो है हमारे भीतर भी, आपके भीतर भी, और यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है। उस जातीय भेदभाव और उस जातीय वो डोमिनेंसी की बात कर रहे थे जहाँ पर एक निचली जाति के लोगों को बहुत पढ़ने नहीं दिया जाता है, लिखने नहीं दिया जाता है। इसके तमाम उदाहरण आपके पास पड़े हैं। मूछें रखने पर उनको मारा जाता है, शादी में घोड़ी पर चढ़ने पर उनको मारा जाता है। तो आज भी यह दौर ये अप्रासंगिक है और ठाकुर शब्द का इस्तेमाल, मैं फिर कह रहा हूँ, कि प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यही बात उन्होंने कहा। लेकिन पूरा का पूरा संदर्भ जो है, इस संदर्भ को जातीय रंग देने की कोशिश की गई है और यह कोशिश की जा रही है कि पूरा जो मसला है वो जाति में बदल दिया जाए। और ये सवाल बड़ी सातिरता के साथ किया जा रहा है क्योंकि पूरी इस कविता की प्रासंगिकता को ख़त्म करने की कोशिश है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जिस ठकुराई ठसक की बात करते थे, वो ठकुराई ठसक आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में दिख जाएगा। इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इतनी प्रगतिशील कविता इस आवाज़ को लेकर के, यह भी कहीं ना कहीं आनंद मोहन की ठकुराई को दिखाता है कि वो किस तरीके से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो मसला है वो जाति का रंग दे दिया जाए और जो उचित सवाल उस पर बात न किया जाए। इस कविता में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने उन्हीं दावों पर, उन्हीं चीज़ों पर सवाल खड़ा किया है जिसको लेकर के दलित जातियाँ लगातार संघर्ष करते रही है। वह बात कहते हैं कि तमाम जो संसाधन है, खेत हैं, खलिहान है, वो दलित, वो ठाकुरों के पास यानी बड़े लोगों के पास, जमींदारों के पास है। और आप 90 और 80 के दशक की सिनेमा को भी देखिए, उस सिनेमा में ठाकुरों की जो पहचान थी वो जमींदार की बतौर थी, वो राजपूत जातियों की बतौर नहीं थी। बिहार में कोई राजपूत जाति के लोग ठाकुर नहीं लिखते हैं। जातिगत जो सर्वे इस बार हुआ है, जातीय जनगणना भी हुआ है, उसमें जो राजपूत जाति के लिए राजपूत जाति का इस्तेमाल किया गया, कहीं ठाकुर नहीं लिखा गया। तो इस तरह का रंग देना कहीं से भी फिजूल नहीं है।